नमस्कार, मैं संदीप यादव और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। दोस्तों, आज दिल्ली में मतदान चल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सेक्टर 2 के एक ऐसे ही पोलिंग बूथ पर। यहां पर जो वोट देके आ रहे हैं उनका क्या मुद्दे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लोग लेकर वो वोट देने गए थे, आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, आप लोग वोट कराए, क्या लगता है आपका, कौन से मुद्दे आपके दिमाग में चल रहे थे कैंडिडेट चूज करते वक्त? बेसिक ये जो मुद्दा वही चल रहा है। क्या हेल्थ का, ये सारी जो है इसके बेसिस पे नोट किया है जो भी है। अच्छा, और यूथ का क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। इस बार बात करें तो जो 232,000 के करीब यूथ हैं जो कि 18 से 19 साल के बीच में पहली बार वोट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो क्या देख के वोट करेंगे? उनको यही देखना चाहिए जात पात से उठकर, उनको बेसिक जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखकर, और एक जो स्टूडेंट है या जो एक युवा वर्ग है उसके लिए क्या चाहिए, उसको तो यही चाहिए ना कि हमारी पढ़ाई लिखाई जो भी है वो सब चीज़ें सही होना चाहिए, हमें रोजगार मिलना चाहिए, सब यही बेसिस है। और हेल्थ वगैरह तो सब बढ़िया ही हो रहा है, चल रहा है। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि जो हेल्थ है, एजुकेशन है, ये मेन मुद्दे मतलब फैक्टर है। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है एज कम्पेयर टू, क्योंकि हम भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं उसके बाद से, तो उसके कंपेयर में अगर आज देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हुआ है। तो सब चीज़ें देखेंगे ना। अच्छा अच्छा, अब ये थोड़ा देखेंगे कि फिर कि हम जो हमारे घर वाले कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, हम तो अपने ही देखेंगे ना कि हमको जो चीज़ लग रही है, हम भी तो समझदार हैं ना। अच्छा, ऐसा हुआ है जैसे पापा किसी और को मतलब कोई और मुद्दे लेके गए हों, आपको डिस्कस कभी हुआ है घर में कि डिस्कस? दो पॉलिटिक्स और घर में होता है डिस्कस, एक पॉलिटिक्स और एक क्रिकेट। हाँ। इस पे तो हर कोई अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देता है। हाँ, है ना, इंडिया के अंदर तो पॉलिटिक्स तो ऐसा है कि हर कोई यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइस दे देता है, तो उसके वजह से तो होती है, वो तो होनी भी चाहिए। देखो, डिबेट तो होना चाहिए ना, एक जो रैशनल डिबेट होता है वो तो होना चाहिए, वो होता है, ठीक है। सबके अपने अपने चॉइसेस हैं। अच्छा, हर कोई फ्री है ना, इंडिया के अंदर हर कोई फ्री है, सबको राइट है अपने अपने अकॉर्डिंगली करने के लिए, तो करते हैं। आपको लगता है जैसे ये एजुकेशन है, इस पर ये मेन मुद्दा है एजुकेशन, हेल्थ, ये जो बेसिक जो देखो दिल्ली के अंदर तो बेसिक जो होगा उसके ऊपर करेंगे ना। हाँ, जो हमारे विधानसभा का इलेक्शन है, विधानसभा के इलेक्शन के अंदर, सेंटर के अंदर कुछ और मुद्दे होते हैं एज अ होल देखते हैं, कंट्री एज अ होल। यहाँ पर तो हम स्टेट का देखेंगे ना कि हमको क्या चाहिए, हम तो दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें जो चीज़ चाहिए वो चीज़ अगर मिल रही है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रही तो फिर हम पूरा चेंज जो भी होगा देखेंगे। आपको लगता है कि जिस पक्ष में आपने वोट किया रिजल्ट कुछ ऐसा ही रहने वाला है? मैं तो हर कोई ये सोचता ना कि भाई हम तो अपने बेस्ट के लिए सोचते हैं। हाँ। बाकी सबकी अपनी अपनी है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। आंटी, आपने वोट कराया? अभी नहीं किया, वोट कर दिया आपने? क्या मुद्दे थे आपके माइंड में, क्या चल रहे थे वोट करते वक्त? क्या मतलब क्या कोई चल रहा होगा ना मुद्दा, हाँ ये कैंडिडेट बढ़िया है हमारे लिए ये कर रहा है ये वो, मतलब कोई नहीं कर रहा भाई, भी दुखी है, हम क्या नहीं जाता है। अच्छा अच्छा, बोलने में दिक्कत है। आपने कराया वोट? अच्छा, वैसे क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? हावी एजुकेशन है, मेडिकल है, फैसिलिटीज है, एनवायरमेंट है, बहुत चीजें हैं, ये सब मुद्दे हैं। बिल्कुल, आपको लगता है ये जिसे और कोई मुद्दे इस पर हावी हो सकते हैं? जो ये चल रहा है आपका कस्टम को लेके, ये तो नहीं होना चाहिए। अच्छा। बड़े क्लियरली बोलूँ मैं आपको। हाँ। और जो CA को हो रहा है, NC को, इनके सब ड्रामा है। नहीं, जैसे मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो जाति धर्म मजहब है ये मुद्दा, और ये पॉलिटिशियंस के दिमाग में है, आम जनता के दिमाग में नहीं है। वो जो बोल रहे हैं सुन सब रहे हैं, पर करेंगे वो जो अपनी मर्जी होगी। अच्छा, लॉजिक क्लियर है। अच्छा, सीधी सी बात है, स्टेट में आप चाहिए, सेंटर में मोदी चाहिए। अच्छा, मैं वैसे भी आप बताइए क्या मुद्दे हैं? यही बात ही है, यही बात ही है सबके लिए, यही दिमाग में बात है। PM भी बहुत पसंद है और हमारे CM भी बहुत पसंद है। अब बाकी जिसको जो सोचना है सोचता रहे, बस आप ये देखो ना, आप मिडिल लोअर मिडिल क्लास एरिया में घूम रहे हो, ये मिडिल क्लास एरिया भी नहीं है, ये लोअर मिडिल क्लास एरिया है, जहाँ लोगों को बेनिफिट मिलेगा, जहाँ लोगों को फैसिलिटीज मिलेंगी, लोग तो वहीं जाएंगे ना, ऑब्वियसली बात है। आप देखिए, आज आप चलते हैं मार्केट में, कितने प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चों को ताकि वो अपना प्राइवेट कोचिंग दे सके बच्चों को, उनको फैसिलिटी मिल रही है। कितने लोग ऐसे हैं जो कॉलेज जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, बसों में फ्री सर्विस कर तो रहे हैं, वो कुछ है
बहुत कुछ है। तो लगता है कि आपको इम्प्रूव हुआ है और इसी पे यही मुद्दा रहने वाला है। इम्प्रूवमेंट तो है, जिस तरीके से हमारे पीएम को चाहिए टाइम काम करने के लिए, उस तरीके से सीएम को भी तो चाहिए। करप्शन से लड़ने के लिए टाइम तो सबको चाहिए। अगर आप भी अपने दिल से पूछेंगे तो आप बोलेंगे चाहे कुछ, देंगे चाहे कुछ, उस चीज को छोड़ दो, यहाँ पे सब वही चल रहा है। मैंने भी वोट करा है, मैं अभी जाऊंगी वोट करा है, मैं जाऊंगी करने, वोट करा है मैंने, ये नहीं किया अभी, कब करेंगे। हाँ, आपसे वही पूछ रहा हूँ, क्या मुद्दे क्या होने वाले हैं? मुद्दे क्या मतलब, आप वोट करा है आपने? अभी नहीं करा, अभी करेंगे। वोट नहीं, वोट नहीं बता सकते इसीलिए, हाँ वोट नहीं पूछ रहे हैं हम, मुद्दे पूछ रहे हैं, मुद्दे पूछ रहे हैं। मुद्दे ये है कि हमें कोई चीज फ्री नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं कोई फ्री चीज नहीं, बस हाँ हमें कोई चीज फ्री नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, बिल जीरो भी नहीं आ रहा, बिल आया पानी का। मेरा मतलब ये, मेरा मतलब ये है कि मुद्दे क्या है, मुझे ये नहीं, क्या मेन मुद्दे हैं, आपको ये नहीं चाहिए, मतलब मुद्दे कुछ होंगे ना। मुद्दे ये है कि जो भी है मतलब, हाँ क्या बताऊँ तुम्हें मैं सब कुछ नहीं, जैसे ये मैम ने बताया कि एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सब मेन मुद्दा है, तो आप क्या मुद्दा है ये? मेरा मुद्दा तो ये बिजली का बिल मेरा बहुत सारा आया हुआ है, ये लोग बिजली का बिल नहीं काट रहे मेरा, तो मैं मुद्दे पूछ रहा हूँ मतलब, ये तो मतलब हाँ ये तो फ्री है तो वो तो फ्री है, नहीं आपको चाहिए नहीं चाहिए वो बात अलग है, कुछ भी नहीं चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन मुद्दे क्या है? पे कर सकते हो, आपको मना नहीं करा गवर्नमेंट ने कि आप पे नहीं कर सकते। सो वट फिर आप ये मत सोचो नहीं आया, मेरे घर में एसी है, मेरे घर में गीजर है, मेरे घर में एसी भी है, मेरे घर में गीजर भी है, मेरे घर में सारी आपकी ऑटोमेटिक चीजें है, क्यों आएगा? मैं लिमिट से यूज करती हूँ ना, मुझे आप समझ नहीं पा रहे। मेरा मेन मुद्दा ये है, मतलब ये है, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ किसको वोट दोगे या किसको नहीं दोगे, मेरा मेन मुद्दा है आपके दिमाग में जो वो कैंडिडेट चूज करते हैं, तो मेन मुद्दा क्या आपके दिमाग में उस समय चलता रहता है? कैंडिडेट तो मैंने यूज कर रखा, पता है मेरे को क्या करना है, लेकिन मैं बताऊंगी कुछ भी नहीं इस टाइम, वो ये पूछ ही नहीं रहे, मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ आपसे, आप समझ नहीं रहे। हाँ जैसे कोई मुद्दा होता ना, जैसे मैं कोई, जैसे अपने अभी जैसे अभी अभी मैम ने बताया कि इनका मेन मुद्दा है मतलब ये जो हाँ एजुकेशन है, ये मेन मुद्दा है, नहीं चाहिए ये तो सबके लिए, इसीलिए आपका क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर? आप वोट कराए, आप वोट कराए? करूँगा अभी वोट। वैसे क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? मुद्दे ये शिक्षा स्वास्थ्य ये सब ठीक हुआ है दिल्ली में, और थोड़ी एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया है, और डेंगू वगैरह का रोग खत्म हुआ है 5 साल के अंदर। ये सब मुद्दे हावी हैं इस बार की विधानसभा चुनाव में? हावी नहीं है, ये सब कम हुआ है डेंगू, मतलब ये सब जो मुद्दे हैं, मुद्दे कर रहा हूँ इस विधानसभा में हावी, तो डेंगू वगैरह से काफ़ी राहत मिली है दिल्ली शहर को। पहले लोग हर साल बीमारी वगैरह के अंदर ही, गर्मियों के अंदर लोग परेशान रहते थे, हॉस्पिटल सारे भरे रहते थे। अच्छा सर, आप वोट कराए? वही बात बोल रहे सर, वोट कराए आप? क्या मुद्दे थे आपके, मतलब क्या मुद्दे इस बार थे लेके चूज किए थे कैंडिडेट? मुद्दे बस मोदी जी है, बस बेस्ट, इसके अलावा कोई मुद्दे की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मतलब चेहरा देख के दिए, मतलब कि मोदी जी का चेहरा ही बहुत है। अच्छा। बाकी यहाँ चोरों को वोट नहीं देना, बस बात ही खत्म, चोरों को वोट नहीं देना। नहीं मैं तो ये पूछ ही रहा हूँ आपसे, मतलब किसको देना है, मैं मुद्दे पूछ रहा हूँ आपके लिए, मतलब मुद्दे क्या है? जो रोज पलटता हो, अपनी बात पे टिकता ना हो, उसको क्या वोट देना? सही बात है, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, आप फिर उधर पहुंच जा रहे हैं। आप जब मोदी जाएंगे तो मुद्दे अपने आप सारे सॉल्व हो जाएंगे, सब सॉल्व, मुद्दे कुछ लेना देना नहीं है, यानी सब सब सॉल्व हो जाएंगे, मुद्दे नहीं लेना देना, सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, मुद्दे सब सॉल्व हो जाएंगे, सब सॉल्व हो जाएंगे। वोट करें आप लोग? फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड टाइम। अच्छा, क्या मुद्दे थे आपके? हमारा मुद्दा मेनली था कि मतलब अभी जो भी चल रहा है NRC वगैरह, उसका भी मेन था, और थोड़ा सा केजरीवाल की जी की तरफ ये था कि मतलब जो, देखिए पहली बात तो मैं पूछ नहीं रहा हूँ कि किसी का नाम लेने के मन नहीं कर रहा, हाँ मैं मुद्दा पूछ रहा हूँ ये था कि जो युवाओं के लिए जो काम किए हैं अभी शिक्षा के, उसमें भीम योजना वगैरह, उससे हमें काफ़ी मदद हुई थी, तो हमारा दिमाग में वही था कि फ्री के उस पर वो नहीं था, बट जो बच्चों के लिए कर रहे हैं, स्कूल्स वगैरह, हॉस्पिटल्स, पूरा शक्ल ही बदल गई है, तो हमारा मुद्दा वही था। अच्छा, इस बार जो 282,000 के करीब युवा मतदाता है, यस सर, तो आपको लगता है कि जो युवा मतदाता हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप, क्या कौन से मुद्दे लेकर उनको वोट करना चाहिए? मैसेज मैं बस ये दूंगी कि मतलब जो भी चल रहा है, हिंदू मुस्लिम के उस पे ना जाएं, आप ये देखें कि किससे आपका राष्ट्र बन रहा है, किससे नहीं, आपको किससे वो हो रहा है, क्योंकि युवा एक ऐसी चीज़ है ना, उस पे मतलब सब कुछ डिपेंड करता है। अगर वो इन चीज़ों को लेके बैठेगा कि नहीं हिंदू मुस्लिम, तो राष्ट्र का उत्थान हो ही नहीं सकता है। मेनली हमें ये चाहिए कि
हमारा प्रोस्पेक्टिव कैसे फुलफिल हो रहा है, एजुकेशन सही हो रही है कि नहीं, हेल्थ वगैरह, बस युवा को और क्या चाहिए। आप कर रहे हैं वोट, क्या मुद्दे, आपके मुद्दे क्या थे? सर एजुकेशन के लिए ही था कि जो बेनिफिट दे, रोजगार दे, बस। इधर आ जाइए। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? नहीं, सेकंड। सेकंड टाइम वोटर हैं जी। तो मतलब मेन मुद्दा क्या था आपका? एजुकेशन, एजुकेशन के लिए काम करे और रोजगार दे युवाओं को। हाँ, ये मेन मुद्दा था जी। थैंक यू। आंटी कितनी एज होगी आपकी? मेरी 75। अच्छा, वोट दिया है आप? हाँ जी। तो वोट देते वक्त कौन से आपके मुद्दे थे, क्या मुद्दे देके आपने वोट दिया? हमने तो कोई मुद्दा देखे ना, पता नहीं मुद्दे आना। नहीं, वोट दिया होगा ना तो मतलब आपको कैंडिडेट चूज करना होगा ना? वो तो करना हो तो बताता ही नहीं ना, कहीं ना बताना ही है। नहीं बताना, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब मुद्दे क्या थे आपके, मतलब क्या कौन से मुद्दे थे जिसको लेकर आपने वोट दिया था? क्या मुद्दा थे, क्या बताओ? तुम्हारे मन में भाई, मन में क्या, मतलब क्या मन में था, क्या चल रहा था? मन में तो ये हमारा खाता भर देखो और कुछ नहीं। अच्छा, किसी और ने बताया था आपको? नहीं नहीं, हम कह रहे हैं भाई हमें तो ये हमारा खाता भर दे। अच्छा, और कुछ नहीं चाहिए कोई देखे। अच्छा हाँ, आप बताइए आंटी, क्या लगता है कौन से मुद्दे थे जिसको लेकर आपने वोट दिया? अभी तो मैं डालने लगी। अभी नहीं दियो? अच्छा, तो कौन से मुद्दे वैसे रहने वाले? देखो जिस पे भी लग जाएगा बटन दब जाएगा उसको दे आएंगे हम तो। नहीं, मुद्दा तो होगा ना आपके, मतलब मुद्दा क्या बताएं, ऐसे कोई बताते हैं कोई? अच्छा, ऐसे बताते हैं। दिल्ली की वोट आपने वोट दिया आंटी? ये तो दिया है। क्या कौन से मुद्दे आपके माइंड में चल रहे थे वो कैंडिडेट चूज करते वक्त? देखो जी, बच्चों के लिए सही सहूलत हो जाए, और सबसे बड़ी बात है जो आपके ये बेरोजगारी है, पढ़े लिखे बच्चे आते हैं मेरे को, कई बार कश्मीर से आ रहे हैं, कभी हम वहाँ से आए हैं, देखो ये चीज़ें चलनी चाहिए। अच्छा, बाकी महंगाई तो कभी अप कभी डाउन होती है। तो बेरोजगारी जो था मेन मुद्दा था आपके माइंड में? बिल्कुल बेरोजगारी बहुत, क्योंकि पढ़े लिखे इतने बच्चे बेकार हैं, आज जो क्राइम हो जा रहे हैं वो पढ़े लिखे बच्चे भी बीच में आ रहे हैं, क्योंकि काम नहीं है बेटे, तो क्या करेंगे वो लोग? आप ही सोचो, आप इसके बाद कुछ कर नहीं सकते, सबसे यही है, लोग भूखे रहने से बेटर है वो गलत रास्ते चल पड़ते हैं बच्चे। माँ बाप का पैसा बेकार, देश का नुकसान अलग। अच्छा देखो। अच्छा।